कई चोरियों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज जिस चोरी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। यह चोरी है शमशान घाट में अस्थियों की। सुनने में जरूर बहुत ही अटपटा लग रहा होगा, ये हकीकत है। गुना के मुक्ति धाम में से एक महिला की अस्थियां चोरी हो गई हैं। बताया जा रहा है कि 21 तारीख को सुनंदा श्रीवास्तव की हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके परिजनों ने उनका अंतिम संस्कार बूढ़े बालाजी के समीप स्थित मुक्ति धाम पर किया। कल शाम को वह पूजन के लिए पहुंचे तब सब कुछ सामान्य था, लेकिन आज सुबह अस्थियों को चुनने के लिए जब वहां पर पहुंचे तो महिला के सिर और पैर की अस्थियां गायब थी, जिसे देखकर सभी सकते में आ गए। इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत गुना पुलिस में करना चाही, लेकिन वहां भी किसी तरह की कोई शिकायत लेने से इनकार कर दिया गया। बता दें कि गुना मुक्ति धाम नगर पालिका के अधीन है एवं उसका रखरखाव का सारा काम नगर पालिका प्रशासन को ही करना पड़ता है। वहीं जब हमारी बात एक अनुभवी पंडित से हुई तो उन्होंने हमें बताया कि इस तरह से अस्थियों की चोरी केवल तांत्रिक क्रियाओं के लिए की जाती है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि इस बात के कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इस तरह की क्रिया करने के कुछ प्रमाण किताबों में जरूर मिलते हैं। वहीं महिला की अस्थियां गुम हो जाने से परिजन काफी चिंतित हैं। पत्नी का हम धार लगाने गए थे और कल तक भी वहाँ सब कुछ सही था। कल रात को मेरा बच्चा गया था वहाँ दीपक लगाने, तो 8:30 बजे तक लोगों सब कुछ सही था। आज जब हम लोग गए वहाँ पर तो हमने देखा कि वहाँ सिर की तरफ से बिल्कुल सब कुछ था नहीं और पैरों की तरफ से कुछ भी नहीं था। क्या लगता है आपको कौन ले गया होगा? क्या कह सकते हैं? आपने इसकी शिकायत दर्ज कराई? यही साहब से बात तो हुई थी हमारे चाचा जी की जी। वो यही साहब का ये कहना था कि इसमें किसी तरह की अपन कोई शिकायत कर ही नहीं सकते। वो ये सुनंदा श्रीवास्तव की डेथ हुई थी तो शाम को 5 बजे उसका दाह संस्कार किया गुना के बूढ़े वाला जी शमशान घाट पर। इसके बाद आज जब उसकी अस्थि संचय के लिए वहाँ पर गए तो उसके पैरों की अस्थियाँ और सिर की अस्थियाँ वहाँ से गायब थी। तो ऐसा लगा कि जैसे किसी ने तांत्रिक विचार के लिए अगोरे लोग या तांत्रिक लोग दीपावली और होली पर इन चीज़ों का कार्य करते हैं, तो हो सकता है किसी ने उसकी चोरी की हो। वहाँ पर तलाश भी किया, लोगों से पूछा भी, तो वहाँ पर जो एक सफाई वाला था उसने बोला कि ना साहब ये तो कहना एक आम बात है और कहना यहाँ पर तो अक्सर कर रात में अस्थियाँ बीनने के लिए या इस तरह की पूजा पाठ करने के लिए लोग आते ही रहते हैं, लेकिन ये सब गलत है। नगर पालिका को इस और ध्यान देना चाहिए, एक चौकीदार की व्यवस्था करना चाहिए जिससे सुचारू रूप से कार्य हो सके और किसी के साथ इस तरह के हिंदू धर्म के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना हो सके। क्या लगता है कि तंत्र क्रियाएं किस तरह से होती होंगी अस्थियों को लेके? सुनने में आता है और जो कि हमारे पुस्तकों में इस तरह का विवरण दिया हुआ है कि तांत्रिक क्रियाएं करते किसी को वशीकरण के लिए, किसी को उच्चाटन के लिए और किसी के आकर्षण के लिए, किसी महिला के आकर्षण के लिए या वशीकरण के लिए महिला की अस्थियाँ और महिला की शमशान की राख का प्रयोग करते हैं। तो हो सकता है कि किसी इसी प्रकार के किसी अघोरी ने, किसी तांत्रिक साधक ने इससे संदर्भ में ये चोरी की है। कितना सत्य है ये सब होना? कैसे ये सब सुना सुनाया है? वैसे मैं तो इन बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ और न मैंने इससे संबंध में किसी प्रकार का तथ्यपूर्ण या ऑथेंटिक साहित्य पढ़ा है, लेकिन सिर्फ सुनने में आया है। और जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं वो आमतौर पर अनपढ़, अशिक्षित और जाहिल किस्म के लोग होते हैं। प्रबुद्ध वर्ग इन चीज़ों से दूर रहता है।